तो भाई न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का घंटा बजा के रख दिया भाई जान। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का घंटा बजा दिया, बाबर बकरी का घंटा बजा दिया, इन गधों का घंटा बजा के रख दिया, इन सिफारशी टटुओं का। क्योंकि ये इंडिया क्रिकेट खेलने तो गए नहीं थे। अब पाकिस्तानियों तुम्हारा कोई हक नहीं बनता वर्ल्ड कप पे वीडियो बनाने का या एक भी बात करने का। देखें, तुम्हारा नाजायज बाप इंग्लैंड एलिमिनेट हो चुका है, तुम्हारा बेटा बांग्लादेश एलिमिनेट हो चुका है, तुम्हारे अंदर भी घुस चुका है। अब तुम अपने रिश्तेदारों समेत बोरा बिस्तर बांधो और निकलो सालो, हिंदुस्तान को बदबू मत फैलाओ। अच्छा, खत्म हो गया, हमारा वर्ल्ड कप ऑफिशियल तौर पे खत्म हो चुका हुआ है। रही सही कसम, न्यूजीलैंड ने फैंटास्टिक चेस करके अर्ली ओवर्स के अंदर खत्म कर दिया है। ये नलायक है यार, ये तो बेशरम लोग हैं यार। इन बेशर्मों ने, इन नलायकों ने, इनमें क्या मेरे मुंह से सुना। वर्ल्ड कप 2019 में मैं और ये यहीं बैठे हुए थे, वहां पर भी एक सिनेरियो आया था कि बांग्लादेश के खिलाफ आप इतने रन करो। शेब अख्तर ने बोला कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बुजदिल कप्तान है ये है पाकिस्तान की सारी शिकस्त का जिम्मेदार। अब बाहर हो गए हैं तो इस टीम को भी हमें बाहर निकाल देना चाहिए, नए खिलाड़ियों को आगे लाना चाहिए। सर, हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड क्यों रहते हैं कि ये जीतेगा ये हारेगा तो हम आगे आएंगे। क्या अब पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत पाएगा, वो भी 334 रन से? भाई, उन्होंने बाबा जी का ठुल्लू जीतना है, एक आने की बैटिंग नहीं करते। बहुत बुरा वर्ल्ड कप हम लोग खेले और जो अपनी मदद नहीं करते उनको कहीं से मदद नहीं आती है। ये बात समझनी चाहिए। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया भाई। नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को गुरुवार को वर्ल्ड कप 2023 के 41वें मुकाबले में 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बनाए रखा है। न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान टीम को धक्का लगा है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम ये मैच हार जाती तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ अपने अंतिम मैच में सिर्फ जीत से ही सेमीफाइनल में एंट्री मिल जाती। लेकिन न्यूजीलैंड ने आखिरी 3 मैच जीतकर 9वें मैच में 10 अंक हासिल कर लिए हैं, इसी के साथ वो सेमीफाइनल में पहुंचने की काफी करीब है। पाकिस्तान के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन टॉप 4 में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ उनके खिलाड़ियों को कुछ चमत्कार करना होगा। पाकिस्तान टाटा बाय बाय फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप। अब हम हार गए, हमने क्रिकेट पे तो बात नहीं करनी, अब हमारी टीम को फेंटा लग चुका है, बाबर बकरी घंटे को फेंटा लग चुका है। अब हमने किसी न किसी को तो इल्जाम ठहराना है। इंडिया से हमने दिल पाकिस्तान को इल्जाम ठहराया, फिर आगे मैचेस आ रहे, हमने कहा मुसलमानों ने वेलकम कर दिया, मुसलमान आ रहे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आ रहे, हमने कहा क्राउड में हमारे बंदे को पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहने दिया। अब हम ये वाला मैच हमारा है भी नहीं, न्यूजीलैंड ने हराया श्रीलंका को, बाहर किया, और पाकिस्तानी घंटे क्या कहते हैं, बाबर आजम बकरी के घंटों ने नया शोशा छोड़ दिया है। इनकी इतनी निकम्मी बॉलिंग, ये वो श्रीलंकन टीम है जिससे ये 350 खाते हैं, बाकी टीमें उनको 100 भी नहीं करने देती। आज भी लग रहा था कि 120 पे पूरी टीम बुक हो गई, उधर एंड में रिंग रिंग के वो चले गए। वो टीम है यार, आपने सिर्फ पाकिस्तानी फैंस का दिल खराब किया है, सिर्फ खराब किया है। अफगानिस्तान भी ऑफिशियली आज बाहर हो गई है। आज अफगानिस्तान का सैरियों के 800-900 पता नहीं कितने रन चाहिए, तो मैंने हिसाब भी नहीं लगाया। उनको भी कोई 700-800 रन चाहिए अफगानियों को भी जीतने के लिए। अफ्रीका को वो 700 रन से हरा दें, 800 रन से हरा दें, पता नहीं क्या कोई क्रिकेट हो रहा है कि पता नहीं क्या, कौन सा मैच है, क्या ये कोई पॉइंट्स की गेम है, गुल्ली डंडा हो रहा है। गुल्ली डंडा में भी ऐसा नहीं होता, किसी डंडे में इतनी 600-700-800 से नहीं हरा सकते। पता नहीं कौन सी स्पोर्ट्स होगी, मैं तो ऐसी कोई स्पोर्ट्स नहीं जानता जिसपे आप 700 रन से हरा दोगे, इतने रन से हरा दोगे। लेकिन टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, हार्ट ब्रोकन है आज पाकिस्तानी आवाम के लिए, आज पाकिस्तानी फैन के लिए। अभी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले 3 मैच पड़े हुए हैं, कल अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है, परसों पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, फिर नीदरलैंड और इंडिया का मैच है। लेकिन उससे पहले ही आपका वर्ल्ड कप अली साहब खत्म हो चुका है, आपके पास अब कुछ भी नहीं रहा, बस आपके पास एक ही चीज है और वो है संडे का टिकट। संडे को पाकिस्तान का टिकट ऑलरेडी जो अपडेट है वो जो आपकी मैनेजमेंट है उसने बुक करा दिए हैं, अतवार के बुक करा दिए हैं। फाइनली ये सफर हुआ है खत्म। नेशनल घंटे का घंटा भी बज चुका है, ये भाईजान वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ये वो बंदा है, ये वो मेरे घंटे का किंग है। जब वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा इस घंटे के किंग से कि आशिम आमला ने बोला है कि जी पाकिस्तान टॉप 4 में आ जाएगी, इस घंटे के किंग ने तब बोला था कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान तो टॉप 1 पे आएगी। और मेरे घंटे के किंग है शुएब अख्तर ने, पता तुझे क्या बोला है? शुएब अख्तर ने बोला है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बुजदिल कप्तान है ये है पाकिस्तान की सारी शिकस्त का जिम्मेदार।
बेटा जब कप्तान ही फुद्दड़ किस्म का होगा ना।